ये हमारी ड्रेस बन के आई है, बहुत ही गंदी सी वाहियात, हम ये नहीं पहन रहे हैं बिल्कुल भी। अपने कपड़े जो हमने बैकअप के लिए रखा था वो पहनेंगे, थोड़ी देर में पता चलेगा कौन क्या पहनता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हमारे कॉलेज में कल्चरल इवेंट है। चलिए दिखाते हैं क्या क्या होता है। बाहर का मौसम भी इतना रोमांटिक सा हो रहा है ना, क्या बताओ। सब इतने अच्छे गेटअप में आए हैं, मेरा फेस, मैं फेसबुक बनी हूँ, मैंने अपने शर्ट से वो फेसबुक को ढक लिया है, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। मौसम कितना अच्छा है। सो एक हफ्ते से चल रहे हमारे स्पोर्ट्स वीक का आज आखिरी दिन है और आज के दिन है कल्चरल इवेंट जिसमें हमारे कॉलेज के सारे बैचेस ने पार्टिसिपेट किया है और मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में इतनी जल्दी आ गई कि आधी से ज्यादा सीट खाली पड़ी है। इवेंट की शुरुआत सरस्वती माता के सामने दिया जलाने के साथ हुई एंड देन फर्स्ट ईयर वालों की एंट्री हुई जिनका थीम था द ग्रेट इंडियन हिस्ट्री। तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, फिर भी क्या बात है। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार। अगली टीम सेकेंड ईयर न्यू है जिनका थीम है इनक्रेडिबल इंडिया। बारी आती है सेकेंड ईयर ओल्ड की जिनका थीम है आदि शक्ति। ओह माय गॉड, तांडव हो रहा है गाइस, स्टेज पे स्टेज तोड़ने वाले हैं हमारे जूनियर। Oh,
के रहेंगे आज। बारी आती है थर्ड ईयर की, जिनका थीम है आईना। लड़के आ गए फाइनली डांस करने। क्या बात है, डांस के बाद एक स्किट हुआ था लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बैकस्टेज चली गई थी अपने परफॉर्मेंस की तैयारी करने। अभी हमारी जूनियर्स की परफॉर्मेंस चल रही है, हम बैकस्टेज हैं, पर्दे से झांक रहे हैं और हम रेडी हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। मम्मी जी हेलो 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 डांसर्स, हेलो माय एंकर। और यहाँ बैक स्टेज हम सब की रिहर्सल चालू है, सब डर के मारे पता नहीं क्या करके आएंगे, क्या भूल करके आएंगे। मैं फेसबुक बनी हूँ और ये गूगल बनी है। एंड देन बारी आती है फाइनल ईयर वालों की, यानी कि हमारी, जिसमें हमारा थीम है पर्दे के पीछे। क्योंकि हमारा पूरा एक्ट एक स्टोरी लाइन में चल रहा है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने सोशल मीडिया का इंट्रो दिया। हमने एक बच्ची को दिखाया जिसके माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते और उसे फिर सोशल मीडिया की लत लग जाती है।
बाद फिर सोशल मीडिया पे दूसरों को पार्टी करता देख उस बच्ची को भी नशे की लत लग जाती है। स्टोरी देखी कल वो लेट नाइट पार्टी करके आए हैं, कितना मजा आया होगा, हम भी चले क्या? सोशल मीडिया के ही नशे में डूबी हुई थी तो रिजल्ट में भी वो फेल हो जाती है, जिस वजह से वो बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन उसके आसपास वाले जितने भी फ्रेंड थे वो सोशल मीडिया पे स्टोरी लगा रहे हैं उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय। यहाँ हमारा एक पार्ट आकर खत्म हो जाता है जहाँ हमने सोशल मीडिया के नेगेटिव पॉइंट्स को दिखाया, लेकिन सेकंड पॉइंट में हम सोशल मीडिया के पॉजिटिव पॉइंट्स को भी दिखाएंगे जिसमें हम बता रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से ही हमें बहुत सारे टैलेंट को देखने का मौका मिला है। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है और शुरू होता है हमारे एक्ट का थर्ड पार्ट जिसमें हमने कोविड का पूरा सीन दिखाया है कि कोविड में सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा है और कोविड का क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे लाइफ में। तुम्हें पता नहीं है क्या देश में लॉकडाउन लगा हुआ है? साहब हमें अपने घर जाना है, चौपट हो गया है, कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रुकिए रुकिए, आप लोग इनसे नहीं मिल सकते। मम्मी पापा को कहाँ लेके जा रहे हैं? अगर आप लोग इनके पास जाएंगे तो आप भी संक्रमित हो जाएंगे क्योंकि यह बीमारी संपर्क न आने से फैलती है। पापा आप घर कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है। कभी तनाव में, कभी निराशा से टूटा है, ना जाने कितनों ने अपने परिवार को कभी ना देखा है। आप मिसेस चाहल बोल रही हैं? डॉक्टर चाहल देश के लोगों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। लास्ट में हमने अपने सारे कोविड वॉरियर्स को ट्रिब्यूट दिया। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं। हम ही उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, ये उनकी उम्मीद।
बारी आती है इंटर्न्स की, जिनका कोई थीम तो नहीं था, लेकिन अपने डांसिंग और सिंगिंग से माहौल बना दिया। नेक्स्ट एक्ट था पीजीज का, जिनका थीम था वुमेन एम्पावरमेंट। अब इतने सारे थीम्स में जीत किसकी हुई ये कल पता चलेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी दूसरी ब्लॉगर, सेकंड ब्लॉगर, थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग बनाने के लिए। और अब हमारा द एंड होते हुए, ओ लाइट वाइट ऑफ हो गई, बत्ती ऑफ हो गई, ये अब हम वापस लौटते हुए।